देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शंस। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस गिवन है। फाइंड आउट LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, RMD राइट मोस्ट डेरिवेटिव, पास ट्री फॉर स्ट्रिंग AA BB AA। स्ट्रिंग है ये, इसके लिए हमें LMD RMD पास ट्री ये तीनों जनरेट करना है। तो देखिए सबसे पहले LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, स्ट्रिंग दिया है AA BB AA। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इन प्रोडक्शंस को नंबरिंग कर दीजिए। प्रोडक्शन नंबर 1 2 3 4 5 इतना क्लियर। नाउ अब LMD हो या RMD हो, स्ट्रिंग जनरेशन हमेशा स्टार्ट होता है स्टार्ट सिंबल से, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल यहाँ पे है कैपिटल S, तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे दो प्रोडक्शंस गिवन है। S कैन बी रीडेड एज स्मॉल A कैपिटल S और स्मॉल S कैन बी रीडेड एज स्मॉल a। इतना क्लियर। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है A, अगर हम ये यूज़ करें तो आगे नॉन टर्मिनल हमें नहीं मिलेगा, इस स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा A कैपिटल S बाई यूजिंग प्रोडक्शन 1 या रूल 1। तो यहाँ लिख दीजिए बाई P 1, ए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल ए, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है कैपिटल ए। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब कि जो भी लेफ्ट मोस्ट में नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करना है। राइट मोस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब जो भी राइट मोस्ट में जो नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है कैपिटल ए, तो इसको रिप्लेस करना है इस स्ट्रिंग को देखते हुए। नेक्स्ट हमें चाहिए स्मॉल ए, तो देखिए स्मॉल ए कहीं नहीं है, ठीक है। S B A है, A के बाद हमें B चाहिए और इस S को हम रिप्लेस कर सकते हैं A के साथ, तो A B हमें मिल जाएगा। तो इस A को रिप्लेस कर दीजिए S B A से। तो यहाँ A और S एज इट इज, इस A के प्लेस पे आ जाएगा S B A बाय यूजिंग P 3 रूल नंबर 3 या प्रोडक्शन 3। नाउ इस S को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल a से, इस S के प्लेस पे आ गया A B A S। इतना क्लियर। तो A B ये मिल गया हमें, यहाँ लिख दीजिए बाय यूजिंग P 2। नाउ लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कैपिटल A और हमें चाहिए क्या B। तो देखिए यहाँ पे BA है, BA मिल रहा है हमें, तो इस A को रिप्लेस कर दीजिए BA के साथ। तो A B इस A के प्लेस पे आ जाएगा BA और ये S बाई P 5। इतना क्लियर। नाउ यहाँ पे S है और लाना हमें A है, तो S को रिप्लेस कर सकते हैं हम स्मॉल A से। तो यहाँ S के प्लेस पे आ जाएगा स्मॉल a बाई यूजिंग P 2। इतना क्लियर। तो ये स्ट्रिंग हमें मिल गया। तो ये हमारा कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या डेरिवेटिव। अब ये बन गया। अब इसके लिए पार्स ट्री बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले S के प्रोडक्शंस हैं A कैपिटल A एंड कैपिटल S। इतना क्लियर। उसके बाद इस A को हमने रिप्लेस किया P 3 S B A के साथ, तो इस A के प्लेस पे आ गया S B A। इसके बाद इस S को हमने रिप्लेस किया स्मॉल a से और नेक्स्ट इस A को हमने रिप्लेस किया स्मॉल b स्मॉल a से और नेक्स्ट लास्ट S को हमने रिप्लेस किया स्मॉल a से। इतना क्लियर। अब लीफ नोड को रीड करें A B B A A हमें जनरेट करना था, तो ये बन गया इसका पास ट्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज RMD। स्ट्रिंग है हमारे पास A B B A A। इतना क्लियर। नाउ अगेन हमें स्टार सिंबल का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा A S। अब राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल कैपिटल S है, इसको रिप्लेस करना है। तो देखिए राइट मोस्ट में हमें सबसे पहले चाहिए स्मॉल a, S को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल a से, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल a। तो ये मिल गया हमें, इतना क्लियर। नाउ राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल A है, तो A के ये तीन प्रोडक्शन है। तो देखिए यहाँ पे S B A है, तो B और इस A के प्लेस पे अगर हम B A ले आए तो डबल B A मिल जाएगा हमें। तो इस A को हम रिप्लेस कर सकते हैं S B A के साथ, और ये A एज इट इज रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यूज किया बाई P1 और फिर S को रिप्लेस किया A से, तो बाई P2, और उसके बाद इस A को रिप्लेस किया SBA से, तो बाई P3। इतना क्लियर। नाउ अब इस A को हमें यहाँ BA चाहिए, BA यहाँ पे है, तो इस A को रिप्लेस कर दीजिए BA से, तो इस A के प्लेस पे आ जाएगा BA और ये बाई P5। इतना क्लियर। तो देखिए A A B B ये मिल गया, लास्ट में A है, यहाँ A बस चाहिए, S में A कंटेन कर रहा है, तो यहाँ इस S के प्लेस पे आ जाएगा A बाई P2। ये मिल गया हमें स्ट्रिंग बाई यूजिंग RMD। क्लियर। अब इसका पास ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले S रिप्लेस हुआ A S के साथ, देन हम यूज किए P2 मीन्स S को रिप्लेस किए A से, उसके बाद यूज हुआ P3 मीन्स A रिप्लेस हुआ SBA से, नाउ नेक्स्ट P5 मीन्स A रिप्लेस हुआ BA से, और नेक्स्ट P2 S रिप्लेस हुआ A से। अब लेफ्ट नोट रीड कीजिए A A B B A A, ये स्ट्रिंग था। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिप्रोडक्शंस गिवन है। इस स्ट्रिंग के लिए LMD RMD पास ट्री बनाना है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए। नाउ सबसे पहले है LMD स्ट्रिंग, हमारे पास डबल A डबल B A डबल B A, स्टार्ट सिंबल S है। तो देखिए हमें लाना स्मॉल a है, यह स्मॉल a है, तो स्मॉल a B बाई P1। इतना क्लियर। स्मॉल a मिल गया। नेक्स्ट वन इज स्मॉल a, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है B, तो B में यहाँ देखिए यहाँ पे स्मॉल a है, तो इससे इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ आ गया A B B बाय यूजिंग P8, तो डबल A मिल गया हमें। अब लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल B है और लाना हमें B है, यहाँ पे B है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल b से बाय P6, A B मिल गया। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल B है, लाना B है, यहाँ पे B है, क्योंकि ये B अगर हम यूज कर ले तो ये आगे स्ट्रिंग हम जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई नॉन टर्मिनल नहीं मिलेगा। तो इस BS से रिप्लेस कर दीजिए इस B को, तो BS बाय यूजिंग P7। इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज S है, तो देखिए A B भी मिल चुका है, लाना हमें A है, तो यहाँ पे हमें A B से रिप्लेस करना पड़ेगा इस S को, तो A B बाय यूजिंग P1। तो देखिए A भी मिल गया। अब यहाँ B है और लाना हमें B है, तो इस B को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आगे नॉन टर्मिनल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज BS, तो इससे ये रिप्लेस हो जाएगा, तो A A B B A, इस B के प्लेस पे आ जाएगा BS बाय यूजिंग P7। इतना क्लियर। तो देखिए डबल A डबल B A B डबल A डबल B A B, नेक्स्ट हमें लेके आना है बी, नॉन टर्मिनल एस, एस में यहाँ पे बी आ रहा है तो रिप्लेस कर दीजिए, ये एस रिप्लेस हो जाएगा बी ए के साथ बाई पी टू, तो बी मिल गया। अब हमें लाना ए है, यहाँ नॉन टर्मिनल ए है, ए में यहाँ ए मिल रहा है रिप्लेस कर दीजिए, इस ए के प्लेस पे आ जाएगा स्मॉल ए बाई यूजिंग पी थ्री, ये स्ट्रिंग आ गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके। क्लियर? नाउ अब इसके लिए पास ट्री बनाते हैं। एस रिप्लेस हुआ ए बी से, देन पी एट, तो बी रिप्लेस हो रहा है ए बी बी से, नेक्स्ट पी सिक्स, तो बी रिप्लेस हो रहा है बी के साथ, नेक्स्ट है पी सेवन, तो बी रिप्लेस हो रहा है बी एस से, नेक्स्ट है पी वन, पी वन मीन्स एस रिप्लेस हो रहा है ए बी से, नाउ नेक्स्ट वन इज पी सेवन, पी सेवन मीन्स बी रिप्लेस हो रहा है बी एस से, नेक्स्ट वन इज पी टू, पी टू मीन्स एस रिप्लेस हो रहा है बी ए से, नेक्स्ट वन इज पी थ्री, ए रिप्लेस हो रहा है ए से। अब लीफ नोट रीड कीजिए, ए बी बी ए बी बी ए, ये स्ट्रिंग था। क्लियर? नाउ एलएमडी के बाद देखिए नेक्स्ट वन इज राइट मोस्ट डेरिवेटिव, स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी बी ए, तो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस है, यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल ए है तो ए बी से रिप्लेस कर दीजिए एस को बाय पी वन। इतना क्लियर? ये मिल गया। नाउ राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल कैपिटल बी, कैपिटल बी के ये तीन प्रोडक्शंस है, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, आगे स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बी एस ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि ए के बाद ए चाहिए, तो इस बी को रिप्लेस कर दीजिए ए बी बी के साथ, तो इस बी के प्लेस पे आ जाएगा ए बी बी बाय यूजिंग पी एट। इतना क्लियर? तो देखिए शुरुआत के दो ए मिल गए। अब राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल बी है तो सबसे पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो देखिए बी में यहाँ पे बी है, यहाँ बी आ सकता है क्या? लास्ट में हमें ए लाना है और आगे कोई नॉन टर्मिनल है नहीं जिससे हम ए ला सके, तो ये यूज़ हम कर नहीं सकते हैं। बी एस यूज़ कर सकते हैं क्या? तो देखिए अगर हम यहाँ बी एस यूज़ कर लें तो बी के बाद ए है और फिर एस में यहाँ देखिए बी ए है, तो इस एस के प्लेस पे अगर हम बी ए रख दें और ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए के साथ, तो बी बी ए ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए तो इस बी को रिप्लेस कर दीजिए बी एस से, तो ए बी बी एस आ जाएगा बी के प्लेस पे बाय यूजिंग पी सेवन। अब इस एस को रिप्लेस कर दीजिए बी ए से बाय यूजिंग पी टू, और इस ए को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल ए से बाय यूजिंग पी थ्री, तो देखिए लास्ट के बी बी ए ये मिल गए। अब यहाँ पे बी बी ए और लाना है और यहाँ बी है, तो देखिए इस बी से तो रिप्लेस कर नहीं सकते, आगे स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। फिर बी एस बचा, क्या बी एस यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, तो इस बी के प्लेस पे आ जाएगा बी एस बी बी ए बाय यूजिंग पी सेवन। इतना क्लियर? तो ये बी भी मिल गया। अब यहाँ एस बचा, लाना बी ए है, बी ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्लियरली समझ में आ रहा है। इस एस को रिप्लेस कर दीजिए बी ए से और फिर रिमेनिंग बी बी ए बाय यूजिंग पी टू। नाउ ए है, इस ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो ए बी बी, इस ए के प्लेस पे स्मॉल ए, बी बी ए बाय यूजिंग P3। ये स्ट्रिंग मिल गया, तो ये हमारा RMD सॉल्व हो गया ना। अब इसके लिए पास बनाना है, तो देखिए S रिप्लेस हुआ AB से, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं P8, तो B रिप्लेस हो रहा है ABB से, उसके बाद P7 तो B रिप्लेस हो रहा है BS से राइट मोस्ट, उसके बाद P2 तो S रिप्लेस हो रहा है BA से, उसके बाद P3 A रिप्लेस हो रहा है A से, देन P7 B रिप्लेस हो रहा है BS से, तो राइट मोस्ट ये है B, B S, देन P2 S रिप्लेस हो रहा है BA से, एंड लास्ट P3 A रिप्लेस हो रहा है A से। अब लीफ नोट रीड कीजिए, तो A B B A B B A, ये स्ट्रिंग था। क्लियर? देखिए अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट वन इज एम्बिगियस कंडीशंस, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग ग्रामर इज एम्बिगियस। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये एम्बिगियस है। एम्बिगियस का मतलब होता है फॉर द सेम स्ट्रिंग इफ देयर इज मोर देन वन पार्स इज पॉसिबल देन सच कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आर सेड टू बी एम्बिगियस। और अगर एक से ज्यादा पार्ट्स पॉसिबल नहीं रखता है तो वो ग्रामर हमारा अनएम्बिगियस कहलाएगा। क्लियर? देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग कंसीडर करें ए बी, तो इसको हम जनरेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से, ये हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्शन था। इतना क्लियर? नाउ यहाँ पे ए है, इस ए को रिप्लेस कर दीजिए ए से। नाउ नेक्स्ट फिर ए है, तो ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम ए के साथ, और यहाँ बी है तो इस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ। ए बी मिल गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अब हम ये यूज करें तो ए बी, यहाँ बी है, बी को रिप्लेस किया जा सकता है स्मॉल बी के साथ। अब लीफ नोट रीड कीजिए, तो ए बी मिल रहा है। फॉर द सेम स्ट्रिंग वी हैव मोर देन वन पार्स ट्री देन सच कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आर सेड टू बी एम्बिगियस। तो ये हमारा ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर हो गया। अगर एक ही सेम पार्स ट्री बनता है तो वो हमारा ग्रामर अनएम्बिगियस कहलाता है। क्लियर? तो आई होप कि ये सारे लॉजिक क्लियर हों। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई डिफिकल्टीज गई हो तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं।